कि सिर्फ एक शब्द नहीं, ये कैसा गुनाह है जो पीड़ित की आत्मा के टुकड़े कर देती है। भारत में रेप को लेकर कानून तो है, लेकिन फिर भी हमें आए दिन रेप की खबरें सुनने को मिलती हैं। भारत में रेप के आरोपियों को सजा मिलने में सालों लग जाते हैं, मगर आज क्राइम तक पर आप देखेंगे, अगर हैदराबाद जैसी कोई घटना किसी और देश में होती तो वहां भी क्या मोमबत्तियां जलाई जाती? आपको जवाब मिलेगा नहीं। चलिए आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां बलात्कार जैसे घिनौने अपराध की ऐसी सजा है कि दुनिया के सामने वो एक मिसाल है। डाल दिए जाते हैं महिला के हार्मोन्स। इंडोनेशिया में बलात्कार करने वाले की भी अलग ही सजा है। यहाँ बलात्कार के आरोपियों को नपुंसक बनाने के साथ ही उनमें महिलाओं के हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं। पत्थरों से मार मार कर हत्या। इराक में बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी जाती है, लेकिन सजा देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। रेप के गुनहगारों को तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक कि वो मर न जाए। बलात्कार जैसे जुर्म करने वालों की मौत आसान नहीं होती है, क्योंकि गुनहगार पूरी पीड़ा और यातना से भी गुजरता है। सिर में मार दी जाती है गोली। उत्तर कोरिया के बारे में तो सब जानते ही होंगे कि यह देश कितना सख्त है। वैसे भी कभी भी अपराधियों के प्रति यह दया या सहानुभूति नहीं दिखाता है। यहाँ रेप के लिए केवल एक ही सजा है और वो है मौत। यहाँ बलात्कारी को सरेआम सिर में कई गोलियां दाग दी जाती हैं। काट दिया जाता है प्राइवेट पार्ट। सऊदी अरब में इस्लामिक कानून शरिया को मान्यता दी गई है। इस देश में किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा का ही प्रावधान है। अगर कोई भी शख्स रेप का दोषी पाया जाता है तो अपराधी को फांसी पर टांगने, सिर कलम करने के साथ उसके यौनांगों को काटने की सजा सुनाई जाती है। चीन में मेडिकल जांच की पुष्टि के बाद सीधे मौत की सजा। चीन उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां रेप के विशेष मामले में मौत की सजा का प्रावधान है। यहां पर अब तक रेप की सजा में कई लोगों को मौत के घाट उतारा भी जा चुका है। चीन में इस जुर्म की सजा जल्द से जल्द दे दी जाती है। साफ शब्दों में कहे तो नो ट्रायल, मेडिकल जांच में प्रमाणित होने के बाद मृत्यु दंड। कई बार फांसी के बाद पता चलता है कि जिसे सजा दी गई उसने कोई गुनाह ही नहीं की थी। एक हफ्ते के अंदर दी जाती है फांसी। संयुक्त अरब अमीरात में कई जुर्म के लिए कुछ अलग अलग सजाएं हैं, लेकिन बलात्कारी को सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। यूएई के कानून के मुताबिक यदि किसी ने सेक्स से जुड़ा अपराध किया है तो उसे 7 दिन के अंदर ही फांसी दे दी जाती है। हैदराबाद में एक महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। संसद मार्ग थाने पर विरोध की आवाज उठी, लेकिन इस आवाज को भी दबाने की भरपूर कोशिश की गई। महिलाओं के साथ पुलिस का ये सलूक चौंकाने वाला है। मैं देश की एक आम नागरिक हूँ, बट अब तो इनफ हो गया है यार। मतलब अनु दुबे जो एक कामकाजी महिला हैं, जिनका सवाल बस इतना था कि देश की बेटियों को सुरक्षा कौन देगा, लेकिन उनका ये सवाल भी पुलिस को नागवार गुजरा। मैं देश की एक आम नागरिक हूँ, बट अब तो इनफ हो गया है यार। मतलब दिल्ली में ही नहीं, हैदराबाद के उस शादनगर थाने के बाहर भी पुलिस का जोर उन लोगों पर चला जो महिला वेटनरी डॉक्टर से दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। हैदराबाद में जगह जगह पर दिल दहला देने वाली दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन पुलिस की नाकामी और नाकामी पर बेतुके बयान का पर्दा डालने वाले मंत्री के खिलाफ है। अफसोस की बात है कि वो डॉक्टर एक पढ़े लिखे होने के बाद अपने बहन को फोन की, अगर वो 100 को कॉल कर देती तो सेफ हो जाती थी। बाज़ वक़्त दुख होता है, इसमें अवेयरनेस बिल्ट अप करेंगे लोगों में कि 100 नंबर हमेशा पब्लिक के लिए एक फ्रेंडशिप नंबर है। अगर कहीं पर भी अगर 100 नंबर पर करेंगे तो विद इन 3 मिनट्स 4 मिनट्स में पुलिस वहां पहुंच जाती है। मंत्री जी उसी पुलिस को लोगों का दोस्त बता रही हैं,
जिसने पीड़िता के परिवार वालों को कहा था आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। अब महिला आयोग ने नोटिस जारी कर उसकी खबर ली है, लेकिन इन सब बातों से न तो एक परिवार को उसकी बेटी सही सलामत मिलेगी, न उसके साथ हुई दरिंदगी की खौफनाक यादें मिटेंगी। तीन बजे साहब मेरे को दो आदमी दे वो कांस्टेबल, मैं जाकर ढूंढ ले तुम बोला तो तीन बजे एक फिर इस पुलिस स्टेशन में दो कांस्टेबल जाकर देखे तो हमारा कुछ नहीं मिला, हमारा पापा चले गया। अब पुलिस इमिडिएटली वो दस लोगों को उधर सर्च कर रहे तो मिलता था, उन लोग ही बोल रहे उधर बाजू में ऐसा हो गया या मिस हो गया उधर बाजू में वो ऐसा हो गया करके, फिर पुलिस का फेलियर है पूरा। भारी लापरवाही के बाद पुलिस की नींद खुली और उसने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हैवानियत की जो कहानी सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े कर देती है। कैसे स्कूटी की हवा निकालकर मदद के बहाने दरिंदे पीड़िता को सुनसान जगह तक ले गए, कैसे उसकी चीख को दबाने के लिए उसका दम घोट दिया गया, कैसे उसकी चीख को दबाने के लिए उसका दम घोट दिया और कैसे पकड़े जाने से बचने के लिए उसके शव को जला दिया, ऐसी बातों ने एक बार फिर एक बीमार समाज, गैर जिम्मेदार पुलिस और तुरंत कठोर सजा देने में लाचार कानून के मुद्दों